इस बरमान ये है क्वेश्चन नंबर वन का सेवन पार्ट और इसमें यूज किया जाएगा क्रैमर्स रूल यूज से पॉसिबल टू तो सॉल्व फॉलोइंग दिनियर क्वेश्चन और इस पार्ट के लिए क्वेश्चन हैं टू एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू फोर सेकेंड क्वेश्चन माइनस फाइव एक्स माइनस टू वाईस टू है माइनस टेन तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे इसके लिए सबसे पहले आपने क्वेश्चन को लिख लेना है टू एक्स माइनस टू वाई इक्व टू फोर एंड माइनस फाइव एक्स माइनस टू वाई इक्व टू माइनस टेन सबसे पहले स्टेप में आपने लिखना है मैट्रिक्स ए जो कि है मैट्रिक्स और कॉफिशेंट्स यानी फर्स्ट रो में आ जाएंगे नंबर्स टू माइनस टू और सेकेंड रो में आ जाएंगे माइनस फाइव माइनस टू मैटिस ए हो गया और क्रैमर रूल में इसके बाद आपने लिखना है ए एक्स ए एक्स लिखने के लिए मैट्रिक्स ए में फर्स्ट कॉलम जो है टू माइनस फाइव इसको आपने रिप्लेस कर लेना है फोर माइनस टेन के साथ सेकेंड कॉलम सेम यही रहेगा तो ये आ गया ए एक्स और इसके बाद लिखना है मैट्रिक्स ए वाई तो मैट्रिक्स ए वाई लिखने के लिए मैट्रिस ए में अब सेकेंड कॉलम को आपने रिप्लेस करना है फोर माइनस टेन जब फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा और इसके बाद ये जो थ्री मैट हमने लिखे हैं इनके हमने डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए और अब इसको एक्सपेंड करें उसके लिए टू मल्टीप्लाइड बाई करना है माइनस टू फिर एक माइनस साइन लगाने और मल्टीप्लाई करना है माइनस फाइव को माइनस टू के साथ इस तरह ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है माइनस फोर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर प्लस माइनस माइनस फाइव टू जार टेन ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई माइनस फोरटीन और इसके बाद ने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ए एक्स ये सबसे पहले उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा गया है और एक्सपैंड करने का मेथड सेम है जिस तरह आपने डिटर्मिनेंट ए में किया था फोर मल्टीप्लाइड भी किया जाएगा माइनस टू माइनस माइनस टेन मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू इस तरह ये आगे है माइनस एट माइनस ट्वेंटी तो डिटर्मिनेट एक्स की वैल्यू आ रही है माइनस ट्वेंटी एट और आप फाइंड कर लें डिटर्मिनेट ए वाई और इसको एक्सपैंड करने के लिए टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस टेन फिर माइनस साइन लगाएं और मल्टीप्लाई करना है माइनस फाइव को फोर के साथ इस तरह डिटर्मिनेंट ए वाई की वैल्यू आ गई है माइनस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी तो डिटर्मिनेंट ए वाई की वैल्यू इक्व टू जीरो थ्री डिटर्मिनेंट डालने के बाद बच्चों आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है एक्स फाइंड करने का फार्मूला है डिटर्मिनेंट ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ए वैल्यू स्पुट कर लें माइनस ट्वेंटी एट ओवर माइनस फोर्टीन कैंसिल होने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू टू, और इसके बाद वाई फाइंड करने का फार्मूला है डिटर्मिनेंट ए बाय ओवर डिटर्मिनेंट ए तो जीरो डिवाइडेड बाई आ जाएगा माइनस फोर्टीन क्वस टू जीरो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो चुकी है बस अब आप इनको सोल्यूशन सेट में लिख लें तो इस क्वेश्चन के लिए इन क्वेश्चन के लिए सोल्यूशन सेट की वैल्यू आ जाएगी टू जीरो और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अल्लाह हाफिज